पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद की जहां मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं शाजापुर में अब उनका विरोध भी तेज हो गया है। इसी के चलते शाजापुर में आज भारतीय युवा परिषद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी चिन्मयानंद और स्वामी ओम बाबा का पुतला फूका और चेतावनी दी कि ऐसे कलंकित बाबाओं को जिले में नहीं रहने दिया जाएगा। दरअसल शाजापुर जिले के स्वामी सुखदेव नंद लॉ कॉलेज की कानून की छात्रा में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसी के चलते यहां आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी ने छात्रा का 164वां बयान दर्ज कराया, तो वहीं अब स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ विरोध के स्वर भी तेज होने लगे हैं। आज के संबंध में ये मतलब होगा है क्या पूरा बताइए। स्वामी चिन्मयानंद जिस पर 2011 में भी अपने यहाँ की कन्या का शोषण करने का मुद्दा लिखा और ये योगी सरकार इतने मुकदमा बाबी ले लिया। यहाँ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ये हम महिलाओं को उत्पीड़न करेंगे। आज एक फिर कन्या सहजान में निकल के आई। आज स्वामी चिन्मयानंद मानसानंद उस व्यक्ति को लेके आ रहे हैं जो कह रहे सहजान की कन्या विष्कन्या है। चिन्मयानंद तुझे मैं सहजानपुर नहीं रहने दूंगा, ये सहजानपुर की आवाज है। और योगी जी मैं कह रहा हूँ योगी जी, अगर आपने उसका सपोर्ट किया तो अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का होगा। देखिए कल मुझे जानकारी हुई आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि कोई बाबा ढोंगी ओम देव या ओम बाबा के नाम से प्रसिद्ध और उसके दो साथी यहां पर ऋषि आश्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। जानकारी ये हुई तो ऋषि आश्रम में जो स्वामी हैं उनके पक्ष में आए थे। हमें नहीं लगता है कि वो उनके पक्ष में आए थे, उनको हमें तो ये लगता है वो निश्चित रूप से उनको उनकी दैया डुबोने आए थे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या करने आए, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो हमारी शाहजहांपुर की धरती जो पवित्र भूमि है, जहां की धरती शहीदों को जन्म देती है, ऐसी धरती पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। और उसी बयान में उन्होंने कहा है, जो मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली है, अगर वो बयान सही है तो मैं भी बयान देता हूं और मैं उनकी कार्रवाई के लिए भी मांग करता हूं। उन्होंने कहा है कि शाहजहांपुर की लड़कियां नहीं बल्कि विष्कन्याएं हैं, संतों को झूठा फंसाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आसाराम बापू को भी यहाँ की लड़की ने झूठा फंसाया है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो अगर हमारी बहनों को बेटियों को विष्कन्या का नाम देते हैं तो विधर्मी है, पापी है, चांडाल है। वो शाहजहांपुर की धरती पर अगर दोबारा दिखाई देता है तो उसका सर कलम करने की हिम्मत रखता हूँ, और उसका कोई सर कलम करके लाएगा उसे 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मेरी ओर से मैं ये वादा करता हूँ कि जिसने ये विधर्मी बयान दिया है, जिसने हमारे समाज के खिलाफ बयान दिया है, हमारी बहनों के खिलाफ बयान दिया है, और मुझे शाहजहांपुर की धरती और मैं किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैं इसके लिए हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। उसके खिलाफ मुकदमाबाजी भी करूंगा, मुकदमा कराऊंगा, रासुका की कार्रवाई कराऊंगा, और जहां मिलेगा वहां जूतों की माला पहनाकर उसका सर कलम करने की हिम्मत रखता हूं। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गढ़वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम त्रिकालपुर के प्रधान द्वारा व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा पाया गया। इसको देखने के लिए जब पत्रकार प्रधान के पास पहुंचे तब प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि के बेटे दोनों ही पत्रकार को फर्जी बताने लगे, उल्टा पत्रकार से ही सवाल करने लगे और कहा कि हमने ऐसा कोई घोटाला नहीं किया है, जो आपको करना है वो कर लीजिए। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है, मैं गाँव के लिए मतलब हर कार्य सेवा कार्य से लेकर छात्र नेता भी हूँ, गांव के हर विकास में मतलब मेरा बहुत ज़्यादा योगदान है। तो जिस प्रकार से हमें पता लग गया पूर्व ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो हमें यह पता करना था कि आपके गांव में जो वर्तमान प्रधान है तो क्या वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर आम जनमानस के बीच धरातल पे सही से हैं या नहीं है। सही से तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब कार्य करते हैं, उसके बाद मतलब लूट खसोट मचाए रखते हैं, कोई भी कार्य मानक का लूट नहीं कराते हैं। जिस प्रकार से केंद्र और सरकार की संयुक्त योजनाएं प्रचलित हैं पूरे देश में, जिसमें मुख्य रूप से आता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय, उसमें भी 2000 रुपए ग्रामीण आवास आता है, उसके बाद डिजिटल इंडिया के तहत आते हैं सोलर पैनल सभी गाँव में स्ट्रीट लाइट, तो हम आपसे जानना चाहते हैं वो क्या आपकी अपेक्षाओं पे खड़े हैं या नहीं है। स्ट्रीट लाइट तो हमारे गांव में एक भी नहीं लगवाए हैं,
उसे जहाँ तक शौचालय की बात रही स्वच्छ भारत अभियान के तहत, उसमें मान लीजिए कि कहीं मतलब जो जागरूक है उससे तो कुछ नहीं लिया, जो जागरूक नहीं है उससे 2000 रुपये हर शौचालय पे देने का कार्य किए हैं। 2000 के नाम पर, और ये आवास के नाम 20 से 30 हज़ार रुपये की धन उगाही की है। तो 20 से 30 हज़ार रुपये की धन उगाही किए हैं, तो आपसे अगर आप बताना चाहें तो हमसे आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से वो धन उगाही का कार्य करते हैं। मतलब प्रलोभन देखे कि हम आपका आवास दे रहे हैं, आप पहले हमको पैसा दे दीजिए, चूंकि आवास तो आ जाता है गांव की जनता को पता नहीं रहता है कि हम आपका आवास ला दे रहे हैं, आप हमको इतना पैसा दे दीजिए, आधा पैसा जैसे 3 किस्त में पैसे आते हैं, हर किस्त में 10,000, 8,000, 5,000 रुपये ऐसे करके वसूली करते हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि ये जो पैसे आते हैं सबके खाते में डायरेक्टली आते हैं, तो वो मतलब जनता को ये लगता है कि वही हमारा किए हैं। अच्छा, वही हमारा किए हैं इसके चलते। तो आपके कहने का मतलब पैसा पहले ले लेते हैं, जो पैसा धनराशि बाद में आती है। पैसा भी होता है कि पैसा जिस दिन निकलता है खाते से उस दिन भी ले लेते हैं, जिसे निकाल के ही लेते हैं। अच्छा, तो आपकी अपेक्षाओं पर खड़े नहीं है ना?